अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ही जगह पे दो कॉलम क्यों बनाया गया, और इस कॉलम के बीच में जो है आप देख सकते हैं कि भाई एक इंची का गैप है। आखिर इसके बनाने के पीछे रीज़न क्या है? देखिए जनरली क्या होता है, अगर आपका बाउंड्री वाल की बात करते हैं, जब भी कभी आप RCC और ब्रिक का बाउंड्री वाल बनाएंगे, वो अगर बाउंड्री वाल का लेंथ अगर 50 फीट से ज़्यादा है, आप जैसे देख रहे हैं, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ आपका 99 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो आपका जो है टोटल 88 फीट है। तो मतलब ये हो गया कि भाई कि आपका 50 फीट से ज़्यादा हो गया, तब उस समय जो है आपको एक एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ेगा। मतलब क्या कि यहाँ से इधर का बाउंड्री का पार्ट अलग और इधर से बाउंड्री का पार्ट अलग, इनकेस अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, चाहे क्रैक होता है, चाहे कोई विंड लोड आता है, तो एक ही साथ अगर इस पर पूरा वाल पे नहीं फंक्शन नहीं करेगा, पूरा वाल पे आपका अलग अलग पार्ट हो गया, तो ये आपका जो है क्रैक होने का कम चांस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो इसलिए जब भी कभी आप भी अगर बाउंड्री बना रहे हैं और 50 फीट से ज़्यादा है, तो उसमें ऐसा ना करें कि मतलब कि पूरा चीज़ एक ही साथ ज्वाइंट कर, पूरा एक साथ में बना दीजिए, बीच में एक्सपेंशन जॉइंट देना ज़रूरी है। अब इसको कैसे देना है चलते हम आपको दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी जो आपको दो कॉलम दिख रहा होगा, आपको इसको कैसे दिया गया मेरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो इसका अगर बेस की बात करते तो बेस ज़रा देख लीजिए, दोनों का फोनिस ने की है, और यहाँ पे वर्टिकल रेंफोर्समेंट आपका 9 इंची बाय 9 इंची का कॉलम आपका, और इसके बीच में जो है ढलाई के बाद भी आपका जो है 1 इंची का जगह बचेगा। ये प्रोसेस है, अब इसका ढलाई का क्या तरीका है? तो सबसे पहले आपको एक कॉलम को ढलाई करना पड़ेगा अलग से, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे दिखाते हैं, एक कॉलम ढलाई हो जाएगा, फिर उसके बीच में आपको थर्मोकोल घुसाना है, वो भी हम दिखाते हैं। पहला वाला ढलाई हो जाने के बाद इसका डिसेटिंग कर लें, फिर जो है अभी ये सेटिंग हुआ है, इसमें जो थर्मोकोल डाला गया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रोसेस, तो ये चीज़ जब दोनों को अब मतलब कि कॉलम अलग से ढलाई करना है, तब जा कर के आपको जो ब्रिक वर्क करना है, और तब जा कर के आपको कुछ इस तरीके से निकलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये दो पार्ट में हो गया, पहला ढलाई किए, बीच में थर्मोकोल लगाए, फिर दूसरा ढलाई किए, फिर तब जा कर के उसके बाद आप जो है अपना ईंट चिनाई का काम कर सकते हैं। तो ये तरीका है दोस्तों। तो लंबे बाउंड्री वाल में आपको जो है एक्सपेंशन जॉइंट के लिए जो है दो कॉलम को एक ही जगह पे देना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमें चलो सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस ही होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।